सारे वो टैलेंट है, सारे स्किल है, लेकिन पहली चीज तो जो पढ़ाई का जो तरीका है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं इस सेंस में कि शुरू में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो शुरू में बच्चे पे टीचर को इम्प्रेशन देना है, मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो बहुत स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअली धीरे 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 वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, बच्चा इम्प्रेस हो जाता है, एडमिशन ले लेता है। लेकिन फिर क्या होता है कि लास्ट के जब 3-4 months रह जाते हैं या 2-3 months रह जाते हैं, तब तक सिलेबस 40-50% से कंप्लीट हुआ रहता है, 40-50% बचा हुआ रहता है। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स मिसिंग हो जाते हैं, या वो एक्स्ट्रा क्लास लेके मॉर्निंग इवनिंग या ऑल 7 days कॉल करके वो बच्चे के सिलेबस को एनी हाउ कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा ये जो करिकुलम होता है ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ये प्लानिंग उसकी प्रॉपर नहीं होती, ये बहुत बड़ा मिसिंग पूरे अलीगढ़ में मैंने देखा है कि प्लानिंग नहीं है 11th-12th की पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखा है कि टीचर का बच्चों के साथ एक जो पर्सनल रैपो बनती है वो नहीं, दे आर ओनली टीचर्स, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये मेरा मानना है और मेरा इस पे फर्मली बिलीफ है इस पे कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे ले आ सकता है, उसके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए ही और शी ऑलवेज नीड्स अ मेंटर जो उसके साथ बैठ के उसकी मन की बात को समझ सके, सुन सके, बता सके कि ये हमारी वीकनेस है, इतना स्पेस दे टीचर उसको कि वो अपनी प्रॉब्लम एग्जैक्टली डिस्कस करे कि ये सर हमें ये प्रॉब्लम है, कहाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, और उसके साथ वो टीचर जुड़े, इमोशनली जुड़े, मेंटली जुड़े, उसका मोरल बूस्ट करे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए और उसके अंदर ये यकीन दिलाए कि बोर्ड्स के साथ साथ आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ पढ़ाने से वो सिर्फ एक लेक्चर जैसा हो जाता है कि टीचर आया, क्लास लिया, बच्चे ने क्लास लिया, क्लास के बाद टीचर से बच्चे ने कुछ डाउट पूछा एंड खत्म। नहीं, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाता। उसे कोई एक ऐसा चाहिए जिसके सामने वो ओपनली अपनी वीकनेस को भी डिस्कस कर सके। ये थोड़ा सा एक दूसरा मैंने मिसिंग पॉइंट देखा। तीसरा मिसिंग पॉइंट हमने देखा कि यहाँ स्टडी मटेरियल टेस्ट पेपर को बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह अभी ये कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे वो टेस्ट पेपर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कि टेस्ट पेपर वो एक कल्चर है, एक रस्म है कि हाँ वीक में इस दिन टेस्ट पेपर होगा, बच्चे आते हैं, टेस्ट दिया, रिजल्ट आ गया, मार्क्स आ गया, खत्म ही है, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। एक टेस्ट पेपर अपने में पूरा एक पैकेज होता है बच्चे के प्रिपरेशन के लिए कि 1-50 जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, रिस्पेक्टिव फैकल्टी उस बच्चों के साथ जुड़ के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करे, सो दैट बच्चा जान सके कि जो सही किया है उसने वो वाकई सही था। कई बार क्या होता है, हम गलत कॉन्सेप्ट से सही ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो बच्चे को तो सही मार्क्स पता चल गया, ये सही है हमारा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट गलत डेवलप हो जाता है। तो टीचर अगर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएगा तो बच्चे को अपनी कमियां पता चलेंगी। बच्चा हो सकता है 4 steps में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा, हो सकता है उसको टीचर ने 2 steps में सॉल्व करने के तरीके बता दिए। तो ये तीसरी मिसिंग चीज थी जो स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर से रिलेटेड यहाँ था। चौथा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जिसपे जहाँ लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वहां पे क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 100-150-200 स्टूडेंट तक भी यहाँ पे ऐसे बैचेस चलते हैं, और मेरा मानना इट इज कंप्लीट इनह्यूमन, अनएथिकल। अगर टीचर हर बच्चे के साथ क्लास में 10 times एटलीस्ट अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब वो कभी भी बच्चा न टीचर से जुड़ पाएगा न टीचर बच्चे से जुड़ पाएगा। तो ये 3-4 कुछ ऐसी कमियां थी, हमने विनीत जी से डिस्कस किया और विनीत जी का यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट डेवलप किया है तो हमें इन पे ट्रस्ट था, इनको हम पे ट्रस्ट हुआ, हमारी टीम पे ट्रस्ट हुआ, और हमने एक ऐसा ये जो संस्था स्टार्ट किया, जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, हम इसमें यही कुछ कमिटमेंट्स लेके चल रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये जो एसी चल रहा है इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि साल भर ये एसी चले, मे भी हो सकता है कभी बंद हो जाए, हो सकता है कई बार लाइट की प्रॉब्लम आ जाए, हम मोबाइल की लाइट में क्लास करें, मे बी कैंडल या इमरजेंसी की लाइट में करें, मे बी स्टडी मटेरियल हमारा बहुत ग्लॉसी पेपर ना हो, उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज आपको मैं पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे कमिट कर सकता हूँ कि जो टीचर हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे
वो डे वन से डे लास्ट तक जैसे डे वन पे जुड़ेंगे वैसे डे लास्ट तक जुड़ेंगे। ये मैं एक आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ, एक फेथ आपको हम पे रखना पड़ेगा। विनीत जी ने हम पे रखा है, विनीत जी पे आपका फेथ है, तो वो फेथ हम ब्रेक नहीं होने देंगे। बस इस बात का मैं यहाँ पे कमिट कर सकता हूँ। ये वजह है जो आपको मुझे बताना था कि क्यों हम दूसरों से डिफरेंट होने वाले हैं। नॉट एज अ टीचर, हम एज अ टीचर नहीं डिफरेंट होने वाले, सारे टीचर्स अच्छे हैं। हम बस इस तरह से कि हमारा जो पढ़ाने का जो मेथडोलॉजी है, जो हमारा तरीका है, हम उसको चेंज करेंगे। जो यहाँ पे एक परंपरा चलती चली आ रही है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिससे बच्चा कम टाइम में स्मार्टली पढ़ सके। वी आर नॉट गोइंग टू टेक क्लास ऑल सिक्स डेज और ऑल सेवन डेज, छह दिन यहाँ पे जल्दी कर जाए, छह दिन बच्चे को बुलाते हैं, सातवें दिन टेस्ट, बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। वी आर प्लानिंग कि हम उसे 4 to 5 days मैक्सिमम करें, एक दिन एक्सक्लूसिवली यहाँ पे टीचर से अपनी बातें करने के लिए, जिसको हम डाउट्स एंड डिस्कशन नाम देते हैं। एक दिन वो घर पे बैठ के 5-6 days की जो पढ़ाई है उसको कर सके। तो ये हम बस किसी चीज का आपको जो एकेडमिक चीज है इसकी हम गारंटी दे सकते हैं, इसका कमिटमेंट कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए डेफिनेटली मैटर करती है। आज की डेट में बच्चे इस तरह की लाइफ के इंडिविजुअल हो चुके हैं, तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं जैसे अभी है, और आप लोगों की अगर आशीर्वाद और मोहब्बत रहेगी तो डेफिनेटली ये कंटिन्यू रहेगा। मे बी और ज्यादा हम फैसिलिटीज दे पाए तो, लेकिन हम कमिटमेंट सिर्फ एक चीज का दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ टेक्निकल चीजों पे आता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि टेंथ के बाद ये कंफ्यूजन पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम बच्चे को इंजीनियरिंग की तैयारी कराएं, मेडिकल की तैयारी कराएं, या सिर्फ स्कूल की तैयारी कराएं कि उसके स्कूल और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए और फिर हम ड्रॉप करके प्रिपरेशन कराएं। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, इट इज कंप्लीट मिथ कि ये इंजीनियरिंग है या ये मेडिकल है या ये स्कूल। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, देयर आर 3 laws, न्यूटन्स के 3 law हैं। कभी न्यूटन साहब ने उनके ऊपर आत्मा दुखी होती होगी जब नीचे यहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ स्कूल के लिए ये पढ़ना है और एंट्रेंस के लिए करना है, मेडिकल के लिए करना है, इंजीनियरिंग के लिए करना है। न्यूटन के 3 law हैं, बस उसका एप्लीकेशन, उसका जो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बदल जाता है। फिजिक्स वही रहेगी, मैथ्स वही रहेगी, केमिस्ट्री बायो वही रहेगी, बस उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, डिग्री ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वही सिर्फ चेंज होता है। तो ऐसा ये मानना कि हम बच्चे को सिर्फ ये करा दें या सिर्फ ये करा दें, ये गलत। हम बच्चे को तभी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस में क्रैक करा सकते हैं, सिलेक्शन करा सकते हैं, जब उसका एकेडमिक अच्छा हो। आप मेरे पास किसी एक बच्चे का ऐसा रिजल्ट लेके आओ जो IIT या नीट में जिसने अच्छे रैंक क्वालिफाई किया हो और उसके स्कूल में मार्क्स पुअर हो, रेयरली ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा। ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं है। जो बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छा करता है, डेफिनेटली वो एकेडमिक्स में अच्छा करता है। तो पहली चीज तो अगर आप अपने बच्चे के लिए ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एकेडमिक्स उसका करा रहे हैं, तो पहली चीज तो आप अपने बच्चे के पोटेंशियल पे डाउट कर रहे हैं कि वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि टेंथ के बाद सारे बच्चे एक साथ एक लेवल पे होते हैं। अब हम उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस जगाते हैं, कितना उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में हम जान पाते हैं। और 19वां साल है मेरा पढ़ाते हुए, 97 में मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, 2000 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 19वां साल है। हजारों पेरेंट्स हैं, हजारों बच्चों से मैंने साइकोलॉजिकल लेवल पे इंटरेक्ट किया है, और हमें पता चल जाता है बच्चे से थोड़े दिन के बाद बात करने के बाद कि बच्चे को सिर्फ स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या IIT मेंस के लिए करना चाहिए या सिर्फ नीट के लिए करना चाहिए, IIT एडवांस, ये बच्चे के पोटेंशियल पे पता चल जाता है। तो अगर हम एग्जैक्ट बता देंगे उस बच्चे को या बच्चे को एहसास दिला देंगे कि उसे सिर्फ इतना ही करना है, तो उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। दोनों ही चीजें गलत है कि बच्चा नीट या IIT का डिजर्विंग है उसको हम सिर्फ एकेडमिक्स की तैयारी करें, वो भी गलत है। बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स का अगर पोटेंशियल है और उससे हम IIT और नीट की प्रिपरेशन कराएं, तो वो भी गलत है। हम बिना बच्चे को जाने उसको थोड़ा वक्त तो दे, उसको थोड़ा स्पेस दे, उसको थोड़ा मौका दे अपने को प्रूफ करने को। हम उसके बारे में जानेंगे, कितना उसकी फिजिक्स आती है, कितनी केमिस्ट्री के लिए उसका एटीट्यूड है, कितना मैथ्स के लिए है, कितना बायो के लिए। जब हम जान जाएंगे कि उस सब्जेक्ट के लिए उसकी नॉलेज कितनी है, अकॉर्डिंगली हम उसको उस तरह से मोल्ड करेंगे। ये हमारा काम है, हमारा काम यही तो है। हम किसी के लिए आए हैं या किसी के
इसी के लिए आपसे जुड़े कि बच्चे की काबिलियत के अकॉर्डिंग हम उसको मोल्ड कर सके। एक ये नहीं कि बच्चा आया तो इसको हम आईटी के बैच में डाल दिया, अब इसको आईटी कराना है, या बच्चा नीट के बैच में है इसको नीटी कराना है, या एकेडमिक्स में है तो सिर्फ एकेडमिक्स कराना है। नहीं, रेगुलर हम उसकी परफॉर्मेंस को हमें चेक करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव टू बी इनफ फ्लेक्सिबल सो दैट वी कैन स्विच द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन बैच टू अनदर। इतना हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को देना पड़ेगा, बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपके किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में ये है कि आप सिर्फ ये चीज कराना है, तो अभी आपको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा, बच्चे को मौका देना पड़ेगा। मौका देना के लिए बच्चे को, बच्चे पे फेथ करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि बच्चा हमारा ऐसा कर सकता है। फिर कुछ वक्त के बाद हम आपको बता पाएंगे कि हाँ ये बच्चा कितना कर सकता है, लेकिन डे वन पे फैसला लेना उस बच्चे के कैरियर के साथ, ये थोड़े से शायद कठोर शब्द हो लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि अगर डे वन पे आपने उसके कैरियर के बारे में आपने फैसला ले लिया तो वो उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ करना होगा। ऐसे में बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो आज इंजीनियर बन गए हैं या जो डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन वो बन गए, पेरेंट्स का प्रेशर था, उन्होंने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल कर लिया, लेकिन वो अपने कैरियर से बहुत ज्यादा खुश नहीं और उन्होंने स्विच किया, अपने करियर को स्विच किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारी मन की बात को समझे होते तो शायद हमारा करियर इससे और बेहतर होता। तो आपसे मेरी यही इल्तिजा, यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने बच्चे को आपने एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम दिलाई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका या बच्चे का ये मन होगा कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है। तो आपको ये फेथ करके आपको ये निर्णय लेना होगा कि हाँ आप किसी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग में आप एडमिशन दिलवा रहे हैं। उसके बाद नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट, एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और द डे मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ इस बच्चे का ये मन नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि बेहतर है आप इसको आप घर पे ट्यूशन करा के किसी तरह से 11th करा दीजिए, या अगर पॉसिबल है तो स्ट्रीम चेंज करा दीजिए, लेकिन उस पे आप फोर्स मत करिए कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ ग्रीन पार्क में रहता हूँ, वहाँ पे हमारे एक साथी है, उनकी बेटी है, वो उन्होंने यहाँ पे 11th से 12th की क्लास डी पे से पढ़ती है, उसको उन्होंने क्लास में भेज दिया और पहले ही दिन फर्स्ट क्लास में ही मुझे आइडिया लग गया कि शी इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। वो निकल गए, मैंने उससे बात किया, उसको मेरे अपने तरीके होते हैं जैसे डॉक्टर्स के तरह, 20 मिनट के अंदर उसने ये बोल दिया कि सर मैं ना इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ ना मेडिकल करना चाहती हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग में मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट है। मैंने उनके पापा को बुलाया, पेरेंट्स से मैंने बताया कि आपकी आप बोले अरे सर बच्चे तो बोलते ही हैं, लेकिन मैंने उनको किसी तरह से कन्विंस किया, हमारे यहाँ एडमिशन वो ले मतलब वो दिलवा रहे थे, बट हमने बोला कि नहीं आपने अगर 11 इसका साइंस से कराया 12 आप किसी तरह से करा के NIFD होता है जो फैशन डिजाइनिंग का ऑल इंडिया टेस्ट होता है आप उसमें दिखाए, उसमें इसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। तो एज अ टीचर मैं आप पेरेंट्स से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे का ये जो 10th के बाद जैसा कि मीनी जी ने बताया कि क्रूशियल ये डिसीजन होता है, बहुत ही लाइफ टर्निंग ये डिसीजन होता है, तो सोच समझ के जिस जगह पे आपको यकीन है फेथ आप वहां पे आए। जो यहाँ के प्लस पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया। एक और चीज मैं मिसिंग जो यहाँ पे देख रहा था कि स्पेशली मेडिकल में फिर भी रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, जैसे अभी विनी जी ने एग्जाम्पल दिया जिस बच्चे को मैं ऐसे यहाँ ढूंढता रहता हूँ, तो हमें पता चला कि बुलंदशहर के गाँव में किसान का बेटा था, फादर कम्प्लीटली इलिटरेट, मदर भी ऐसी, लेकिन मुझे पता चला कि वो बच्चा होनहार है। हम घर गए, उसके गांव गए, उनको पेरेंट्स को कन्विंस किया, किसी तरह से बच्चे को ले आए, उसका यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया। वो बच्चा 2-3 महीने तक नजर नहीं मिलाता था, सर झुका के बात करता, धीरे धीरे उसको अंदर कॉन्फिडेंस देते 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 ये आया कि वो फाइनली 19th रैंक और 15 लाख बच्चों में जनरल में 19th रैंक, ये मुझे लगता है कि अपने में एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये पूरे अलीगढ़ के लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। और ऐसा रिजल्ट जिसको कि पूरी की पूरी पूरी जो तैयारी हुई हम लोगों की मेंटरशिप में हुई, और आज भी वो जब भी बच्चा मतलब इतना वो संस्कार है उसके अंदर कि अभी जिस डेट पे जैसे जहाँ वहाँ मैं कहूँगा वो आ जाता है और उतना ही सम्मान देता है और वो उन चीज़ों को ध्यान रखता है जो चीज़ें हम टीचर्स ने उसको समझाई थी बताई थी। तो मेडिकल का फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट है, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा वैक्यूम है, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी जेन्यून रिजल्ट मैंने लास्ट 7 साल में टॉप 500 रैंक्स में देखा है,
जबकि यहाँ के बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है, विनीत जी के यहाँ जितने बच्चे होते हैं मैं कई बार इंटरेक्ट किया, तो मैथ्स का सारा अच्छा होता था, लेकिन 11-12 में चाहे टीचर में प्रॉब्लम या कहीं कुछ भी हो, इंजीनियरिंग में वो रिजल्ट नहीं आ पाता था। तो जो शैलेंद्र सर है, मतलब उनका एक दो साल का यहाँ का अलीगढ़ का एक्सपीरियंस भी रहा है, और ये जो इतने भी फाइनल इंस्टीट्यूट उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें HOD थे और हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, कई सालों से हमारा संबंध भी था, और मैथ्स में मतलब मैं इनके लिए ये कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि एक बार फिजिक्स में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है मेरी क्लास में, उनकी क्लास में मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक जो मिसिंग चीज था कि इंजीनियरिंग का रिजल्ट कहीं ना कहीं अलीगढ़ में लैक कर रहा था, उसके लिए हमने कोशिश की। अब सिंस स्टेप अप के हम ये दो हिस्से हैं, तो अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग वी विल बी हियर, हम यहाँ पे हमेशा रहेंगे। तो अगर मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाले बच्चों की बात करूं, तो ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक यहाँ पे दो टीचर है। यहाँ पे हमने इसका इसीलिए कोचिंग सेंटर नाम नहीं रखा, हमने इसका नाम लर्निंग सेंटर रखा। आप किसी भी टाइम, आप 10-11 के टाइम पे आ जाओ, 10-11 बजे आप देखोगे कि क्लास के अलावा भी बच्चे को जहां पे जगह मिलती है, हमने बच्चे को बोल रखा है कि तुम्हें अगर घर में पढ़ाई नहीं हो पाती, हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ आओ, जहां जगह मिले तुम बैठ के पढ़ाई करते हो। वो पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स में डाउट आए मुझे देखा कहीं, मुझे बुला के पूछ लिया, मैथ्स में आया सर को बुला के मैथ्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत आई केमिस्ट्री में आके पढ़ लिया। तो अब उनका पूरा का पूरा यहाँ से जुड़ने से एक उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली सॉल्व होती जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहा, तो डेफिनेटली हम इसको और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। अब रही बात की इंजीनियरिंग और मेडिकल का कैसा तैयारी होती है, क्या होती है, वो थोड़ी टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपको अपने बच्चे के लिए कैसे सोचना है। तकरीबन 14 से 15 लाख दोनों में एप्लीकेंट्स होते हैं, वेदर दे आर मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और तकरीबन 10 से 12 हजार यही अच्छी इंजीनियरिंग में भी सीट होती है और यही मेडिकल में भी। तो ये रेशियो यही है जो है आपके सामने जो डेटा है। अब कई बार पेरेंट्स उस 15 लाख बच्चे को देख के 15 लाख एप्लीकेंट घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो रियल रेस है या जो रियल कंपटीशन है वो सिर्फ 1 लाख बच्चों में, 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो रियल तैयारी होती है, जो रियल जो कह लीजिए कंपटीशन होता है, वो उन्हीं में होता है। तो पहली चीज तो नंबर से आप मत डरें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट पेरेंट्स सामने दिखा देते हैं कितने लाख बच्चों में इतना है, तो आपको तो कराना है ऐसा। तो पहली चीज तो डोंट स्केयर्ड बाय दैट नंबर, वो नंबर एक इल्यूजन कि 15 लाख बच्चे में हमारा बच्चा आया है। 15 लाख तो बस दौड़ रहे थे ऐसे ही, कुछ तो शुरू में ही 15 लाख के सारे अपीयर भी नहीं होते। अभी जो मेंस हुआ था उसमें 75% बच्चे अपीयर हुए जिन्होंने फॉर्म भरा। तो पहली बात तो उस नंबर से बिल्कुल नहीं घबराना है, नंबर है ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि अगर हम उस रेशियो की बात करें तो यहाँ का एमयू एंट्रेंस भी उसी तरह का 50,000 तक बच्चे देते हैं, 56,000 बच्चे देते हैं, सीट कितनी होती है 1,000, तो आप सोच लीजिए तो मोर और लेस ये बल्कि ज्यादा मुझे लग जाता है कि एक टफ कंपटीशन हो जाता है। तो आप सोचिए अगर आपका बच्चा इसको क्वालिफाई कर गया तो वो क्यों नहीं, वो तो और भी अच्छी रैंक से क्वालिफाई। ये हम हमारी मतलब सो कॉल्ड कह लीजिए बहुत सारे कोचिंग से रिलेटेड लोगों ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि पेरेंट्स उसमें एकदम वो भ्रमित हो जाता है कि अरे इतना बड़ा है ऐसे तैयारी करना है ये करना है। ये मैं आपको बताऊं कुछ नहीं है, 2 साल आपको अपने बच्चे पे, 2 साल जिस इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन देते हैं उनकी टीम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको हमसे एक वादा देना पड़ेगा कि आप रेगुलर एटलीस्ट वंस इन मंथ हमसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा कि वो घर में क्या पढ़ रहा है या हमसे क्या प्रॉब्लम है। आप हमें फीडबैक देते रहोगे, हमारी कमियों को बताते रहोगे, तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे और ज्यादा से अच्छे से बच्चे की तैयारी करा सकेंगे। तो पहली चीज तो नंबर पे आपको नहीं जाना है, वो नंबर ऐसे ही है। दूसरी चीज कि जो अभी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन है वो 2 स्टेप में होगी, पहले बल्कि थोड़ा मुश्किल था, अब एक बार जनवरी में होती है और एक अप्रैल में होती है। तो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट होल ऑफ द सिलेबस टिल 15 दिसंबर, हमने एक प्रॉपर कोर्स प्लानर बनाया है जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एंड ऑफ द ईच मंथ फिजिक्स इतना, केमिस्ट्री इतना, मैथ्स इतना 15 दिसंबर तक कंप्लीट, ऐसे ही नीट वालों को, सो दैट कि अगर 15-20 दिसंबर तक बच्चों का सिलेबस खत्म कर सके, 1 महीने वो रिवाइज करके जनवरी में जो पहला फेज होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस का मेंस का वो दे सके।
और अगर बच्चा उसमें अच्छा कर गया तो उसको सेकेंड फेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। रीजन इसका है कि फर्स्ट फेज में बहुत सारे बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं होता है, तो कंपटीशन बहुत आसान होता है। तो जब हमें पता है कि ये कंपटीशन आसान है तो उसके लिए हम थोड़ी सी फाइट करके हम उसको अच्छे से हम उसमें अपने मार्क ला सकते हैं। सेकेंड फेज जब अप्रैल में आता है तब वहां पे सारे बच्चे फिर वेल इक्विप्ड हो जाते हैं, तो वहां लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब हमें पता है दूसरा वाला फेज मुश्किल है, पहला वाला आसान है, तो थोड़ा सा अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और दो साल बहुत होते हैं, इट इज मोर देन इनफ टू गेट थ्रू एनी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी, दो साल बहुत होते हैं। बस जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग की, तो हम कोशिश इसी प्लानिंग की करेंगे कि जिससे उस एग्जाम तक के पहले बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाए, बच्चे की इस तरह से तैयारी हो जाए कि उसको उस एग्जाम में क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आने के लिए उसको कहीं पे किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये थोड़ी सी है थ्योरेटिकल बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल में कन्वर्ट तब होंगी जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब आप हमसे जुड़ेंगे या कहीं किसी से भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ डिसीजन आप चाहे थोड़ा सा देर लें, लेकिन जब आप लें देन यू ट्रस्ट उस टीम पे और अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें कि अब दो साल तक हम इस बच्चे पे को पूरा मौका दे रहे हैं, इस टीम को पूरा मौका दे रहे हैं, रेगुलर आप बच्चे का फीडबैक देते रहे और हमारा फीडबैक दे रहे हैं। तो बहुत समय मैं आपका नहीं लूंगा, आप लोगों के लिए मेरी विशेष है, बच्चों के लिए भी और आप सबके लिए भी, कि जहाँ कहीं पे भी जो भी बच्चा आपका करे वो कामयाब रहे उसमें। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे आए तो हम आपसे खुद से जुड़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा पर्पस ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट को हम ग्रो करना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ जो अंदर की जो ख्वाहिश है कि यहाँ से अलीगढ़ से इस धारणा को दूर करना कि यहाँ का बच्चा कोटा या दिल्ली या एक्स वाई जेड जाए, यहीं पे उसको वो सारी फैसिलिटीज मुहैया हो, यहीं पे उसके ऐसे कॉम्पिटेंट टीचर मिले कि उनके पेरेंट्स को इस बात का प्राउड फील हो कि घर में रहते हुए हमारे बच्चे ने आईआईटी या नीट क्रैक किया। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार थैंक यू बोलता हूँ आपका।